सरा जब आप खुद रीट ट्वीट करती हैं या फिर सोशल मीडिया पर कोई कमेंट करती हैं हाउ डू यू मेक श्योर कि जो इंफॉर्मेशन है वो सही है वेल well, मुझे लगता है कि ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको रीट्वीट करती हूँ जो क्रेडिबल हैं जिनकी जो जायज़ हैं जिनकी इज्जत है लार्जली स्पीकिंग हमारे समाज में और जो जो जाने माने यू नो इज्जतमंद खुद फैक्ट चेक करने वाले न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं बीबीसी हो गया या बाकी भारत के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस uh, हैं और uh, अगर मैं कोई ऐसा ट्वीट कर रही हूँ जो कि एक पर्सनल इंडिविजुअल इंसान है जो कर रहा है जिसमें कोई फैक्ट है ज़्यादातर तो मैं एक्चुअली ओपिनियन वाले ट्वीट रीट्वीट uh, करती हूँ तो ओपिनियन का क्या है वो तो मेरी राय है और मेरे ट्विटर बायो uh, में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरा किस तरफ रुझान है या किस तरफ के खिलाफ मेरी आ, आ, मेरी जो मेरा जो चलन है और मेरी जो सोच है वो है सो so, मैं आ, मैं बट अगर मैं फैक्ट डाल रही हूँ तो मैं ज़रूर एक गूगल सर्च मार लेती हूँ ख़ास करके अगर मैं खुद एक आ, फैक्ट डाल रही हूँ कि आ, नंबर्स हो गए या साल हो गया या कोई अगर मैं हिस्टोरिकल बात कर रही हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ इनफैक्ट कोशिश नहीं मैं करती हूँ कि मैं एक गूगल सर्च करके वो सही फैक्ट डालूँ ऐसा भी हुआ है जैसे मेरे साथ बहुत होता है कि कई बार मैंने आ, कोई ट्वीट किया मैंने इस सेट किया इसको गलत तरीके से कंसीव किया जा सकता है समझा जा सकता है तो उसको मैं डिलीट कर दिया ऐसा भी होता है आपके साथ मैंने ट्वीट शायद लाइफ में एक या दो ही डिलीट करे हैं वो भी क्योंकि एक बहुत गु़स्से में मैंने ट्वीट किया था जो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि इसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो आपको हटा देना चाहिए एक मेरे एक दोस्त के बारे में था तो उसने कहा कि तुम हटा दो ये ट्वीट वो उसके सपोर्ट में कुछ था तो लेकिन ज़्यादातर करके अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी है ट्वीट में तो मैं वही ट्वीट को कोट करके बोलती हूँ कि हाँ ये गलती हुई है लेकिन ऐसा कम ही हुआ है ग्रामर को लेके सबसे ज़्यादा तो ऑटो स्पेल चेक तो सबसे बड़ी बर्बादी है तो वो अक्सर हो जाता है बट नहीं मैं मैं ज़्यादातर ट्वीट डिलीट नहीं करती क्योंकि मैं मैं सोच के ही ट्वीट करती हूँ मैं कम ही ऐसे तेश में आके या जल्दबाजी में ट्वीट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा ट्विटर टाइमलाइन एक छोटी सी जंग चल रही है उस पर वो कोई ऐसा सामान्य ट्विटर टाइमलाइन नहीं है वहाँ पे एक जंग चल रही है तो मैं बिल्कुल जंग के हिसाब से स्ट्रैटी करके ट्वीट करती हूँ ऑफकोर्स कभी कभी ऐसे मूड लाइट होता है और ऐसे कुछ मजाक करने का मन करता है तो मैं कुछ नॉनसेंस भी ट्वीट कर देती हूँ ऐसा भी है जिससे मेरे माँ बाप बहुत नाराज होते हैं मेरे माता पिता मेरे ट्विटर के मेरे फादर तो मेरे ट्विटर स्टॉकर हैं वो सारे टाइम यही देखते रहते हैं कि मैं क्या ट्वीट कर रही हूँ और कितने बजे कर रही हूँ और उन्होंने गूगल अलर्ट भी लगा रखा है मेरे ऊपर कि मैंने क्या कहाँ कहा और मैं क्या अक्सर मुझे सुबह उठती हूँ तो एक एसएमएस आता है पिताजी का कि आज देश में ये हुआ है प्लीज़ ट्वीट मत करना <laughs> <laughs> हाँ ये हाल है मेरा आ, जब आप ट्वीट करती हैं जैसे आप तो बहुत सारे ग्रुप से भी हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हूँ किस तरह की इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ के लिहाज से आप तक पहुँचती है एक में दिखता है मुझे एटलीस्ट आपके पास किस तरह की फेक न्यूज़ पहुँची है जिसको देख कर लगा हो कि क्या हो रहा है ये well, वो मैं एक्चुअली उतने सारे ग्रुप्स पर नहीं हूँ सबसे ज़्यादा फेक uh, न्यूज़ तो एक, uh, एक पर्टिकुलर फैमिली ग्रुप से ही आती रहती है uh, uh, तो उस पर मैं uh, कभी कभी कुछ रिस्पॉन्ड कर देती हूँ बट uh, जिन ग्रुप्स पे मैं हूँ हम सब काफ़ी कॉन्शियस लोग हैं तो हम आपस में एक दूसरे को भी पूछते रहते हैं कि आयुष हो ये सही जो आपने फॉरवर्ड किया आयुष हो ये सही है क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो, तो आई थिंक कि वो बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर यू नो शुरुआत सबसे पहला सवाल ख़ुद से पूछना चाहिए हमें किसी भी किसी भी सभ्य समाज की ये पहली आ, पहली चीज़ होनी चाहिए पहली निशानी होनी चाहिए ना कि आप खुद से सवाल करें इस दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ख़ुद से सवाल करें तो जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आसपास के लोगों में मैं यू you नो know, मैं मैं ना पड़ जाऊँ उसमें लेकिन अब यू you नो know, आज के ज़माने में हम भारत में ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ ऐसा भी हुआ है कि बड़े बड़े जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने फेक न्यूज़ को डाला है तो फिर क्या कर सकते हैं आप तो फिर तो अब अब हम ऐसे सिचुएशन में हैं जिस पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो या तो इंसान काम करे और नौकरी करे और पैसे कमाए या इंसान गूगल पे बैठ के फेक न्यूज़ को वेरीफाई करते रहे फैक्ट चेक करते रहे सो देर इज़ अ देर इज़ अ प्रॉब्लम बट जहाँ तक हो सके मैं मैं बचती हूँ और जहाँ गलती हो गई मैं माफ़ी मांग लेती हूँ मुझे लगता है लाइफ में माफ़ी मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए तो ये तो आपकी एक ट्विटर हैबिट हुई या सोशल मीडिया हैबिट्स लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं समथिंग दैट वरीज यू उनके जो सोशल मीडिया हैबिट्स हैं नहीं मुझे लगता है आम जनता का सोशल मीडिया हैबिट सबसे वरिंग वो ये है कि जिसे तुम पसंद नहीं करते हो उसका चाहे जो ट्वीट हो मतलब मैं अगर ये बोल दूँ कि भैया पेड़ पेड़ ना काटो ऑक्सीजन की कमी है तो वो नीचे दस गालियाँ तेरी माँ की तेरी बहन की आ जाएंगे उस पर पे। भाई पेड़ ना काटने पर क्या विवाद हो सकता है मतलब ऑक्सीजन सांस तो हम सबको लेनी चाहिए तो या तो ये एक जो मानसिकता है ना कि बस बिना कुछ देखे सोचे क्योंकि तुम्हें स्वरा पसंद नहीं है तुम गाली देना शुरू कर दो इसका कोई ये अर्थहीन है यू नो ये एक तरह का कुतर्क है ये एक तरह का टाइम वेस्ट है इससे शायद आपको उस ट्वीट के दस रुपए मिल रहे हैं लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा इससे सिर्फ समाज में गंदगी फैल रही है उस, उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गंदगी फैल रही है दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ही वाहियात लगती है और चिंताजनक लगती है वो ये कि कई सारे ऐसे ब्लू वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नफरत की उत्पत्ति में लगे हुए हैं वो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ रिट्वीट कर रहे हैं और वो नफ़रत पैदा कर रहे हैं कुछ खास समुदाय के खिलाफ वो समुदाय अल्पसंख्यक हो सकते हैं वो स, अ, समुदाय प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग हो सकते हैं उन जो आपको पसंद नहीं है उसको या तो आप टेररिस्ट बता दो अगर मुसलमान है या अब आजकल एक नया टर्म आया अर्बन नक्सल बता दो अगर वो प्रगतिशील है तो ये तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है मेरे खुद मेरे बारे में ट्विटर वेरीफाइड ब्लू टिक वाले जो अकाउंट्स हैं उन्होंने इस किस्म के गंदे झूठ फैलाए हैं मतलब ऐसी बातें करी हैं कि स्वरा अर्बन नक्सल के गुट की लीडर है ये हास्यास्पद है एक्चुअली मतलब कोई मुझे किसी भी ग्रुप का लीडर बना ले बट बट फैक्ट ये है कि लोग विश्वास करेंगे क्योंकि आजकल तो वही है ना जो ध्रुव भी बात कर रहा था जो कॉन्फ्रेंस हुआ है आपका उसमें कि कॉन्फर्मेशन बायस जो है कि आपके अंदर जो पूर्वाग्रह हैं आप उनकी कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं न्यूज में नफ़रत ऐसी तो फैलती है ना क्योंकि जो कि जो कि मेरे ख्याल से बीबीसी रिसर्च में भी अगर आप पढ़ पाई हो कि हाँ। so, सोचिए कितनी मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये आखिरी सवाल हिंदी में और बहुत ही ब्रॉड सवाल है शायद एक दो लेकिन मैंने वहाँ पर भी सुना कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया पर्सनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हिसाब से कैसे रोका जाए या उसको हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है और ऑफ कोर्स न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी तो है लेकिन इसको तो कैसे किया जाए ये मुझे आई डोंट नो बिकॉज यू नो द प्रॉब्लम इज़ दैट दैट आज के जम, आज की डेट में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस फेक न्यूज़ का अगर आप जड़ देखें तो हो सकता है कि वो पोलिटिकल पार्टीज में हो और हो सकता है कि उसमें से एक पोलिटिकल पार्टी सत्ता में भी हो तो फिर कौन रोकेगा जब जो लोग सत्ता में बैठे हैं जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे देश को हमारे संविधान के हिसाब से चलाना चाहिए जब वही लोग संविधान की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं जब वही लोग झूठ के व्यापार में लगे हुए हैं तो फिर आप किसके पास जाइएगा तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद इसका तरीका एकमात्र यही है कि एक ऐसी बॉडी हो इंडिपेंडेंट जो जो पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट हो जो एक्चुअली सरकार से इंडिपेंडेंट हो उसमें जुडिशल मेंबर्स भी हों उसमें मीडिया के लोग भी हों जो मॉनिटर करें और अगर आपने आप किसी भी चैनल या किसी भी पत्र प्लेटफॉर्म ने तीन बार से ज़्यादा झूठ बोला आप उ, 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 उस, उनको कुछ अकाउंटेबल होल्ड करें कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए उसकी आई डोंट नो अब ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड बट कुछ तो होना चाहिए ना बट माय प्रॉब्लम इज़ कि आई डोंट थिंक कि उस चीज़ को हमें सरकार और और सत्ता से लिंक करना चाहिए क्योंकि आज के ज़माने में तो और दुनिया भर में ये हो रहा है कि फेक न्यूज़ तो सत्ताधारी सबसे ज़्यादा प्रॉपोगेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा साधन है